झटका लगा है जिस तरीके से पंचकुला से मामला निकलकर सामने आया। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है मुकेश कुमार आहूजा, डीसी है पंचकुला के। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। थैंक यू जी। मुकेश जी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पंचकुला से मामला निकलकर सामने आया, एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, फिलहाल ताजा परिस्थितियां वहां पर किस बारे में बनी हुई है, किस तरीके से बनी हुई है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा जी। जो सोनिया महाजन जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्टिंग है 14th को। हेलो जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी मुकेश जी, मैं आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सोनिया महाजन कोविड पॉजिटिव, हाँ कोविड पॉजिटिव आई 14th को। इसके बाद हमने जब इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की और इसकी बैक हिस्ट्री में गए, बैकवर्ड हिस्ट्री से ये पता चला कि ये 18 मार्च को पठानकोट में गए थे किसी गांव में, वहां से इसकी हिस्ट्री ट्रेस हुई है। तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद 24 लोगों के कल सैंपल भेजे गए, तो उनमें से जितने सैंपल लगे और उसके बाद 9 लोगों के पॉजिटिव आए। ये 9 के 9 लोग सेक्टर 15 के हैं, 2 हाउसेज हैं इसमें, 2172 जिसमें 5 केसेज हैं, 8917 में 4 केसेज हैं। टोटल 9 केसेज पॉजिटिव हैं और जो प्रोटोकॉल के तहत हमने एरिया को कंटेन किया है, टोटल एंट्री एग्जिट किसी की भी तरह की आवाजाही पे टोटल रोक है, एरिया को मेडिकली स्क्रीन किया जा रहा है, लगभग हो भी चुका है और सैनिटाइज जो करना है वो रेगुलरली किया जा रहा है और स्थिति पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं और बाकी लोगों की भी जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली फिर कार्रवाई की जाएगी। हाँ मुकेश जी, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगे कि ये जो बाकी के लोग हैं जिनमें जिनके रिपोर्ट्स अभी पॉजिटिव आई हैं, उन वो क्या वो लोग एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में और कितने लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया? इसमें से हमने अभी 24 लोगों को कल किया था कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, 38 लोग आए थे। ये 9 एक ही परिवार के हैं, मतलब 2 हाउसेज में रहते हैं, फैमिली ऑलमोस्ट एक है जी। इसमें मेरा एक और आपसे ये अनुरोध है कि चूंकि ये 18 तारीख की डिटेक्शन है, 18th मार्च की, 18th मार्च से 2 अप्रैल को इनको सिम्टम्स आए, बट शी हैज रिपोर्टेड टू द सिविल हॉस्पिटल ऑन 11th मार्च, तो मीन वाइल इनके कॉन्टेक्ट काफी रहे होंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचकुला के जो नगरवासियों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि इस दौरान जो जो लोग इनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कॉन्टेक्ट में आए हैं वो 100 में आगे आकर अपने आप को चेक कराएं। इसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे फ्लू सेंटर बनाया हुआ है, या ये 108 पे रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम जाकर उनको घर से भी चेक कर सकती है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त है एहतियात के तौर पे कि लोग आगे आए वो बताएं कि वो इनके कॉन्टेक्ट से किस किस के इनके साथ कॉन्टेक्ट हुए हैं। हाँ लेकिन जिस तरीके से मुकेश जी, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हर जगह से यही बात की जा रही है कि आप लापरवाही ना बरतें, लेकिन एक बड़ी लापरवाही की वजह से एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाकी के लोगों को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस से तो देखने से यही लगता है, पहले ही उस महिला को अगर लगा था कि उनमें कोरोना के लक्षण है तो उन्हें पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं देरी की वजह से ये जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा गंभीर होती हुई। जी इसी वजह से इस चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि जो लापरवाही सोनिया के केस में हुई है वो बाकी लोग उसको ना करें, एहतियात के तौर पे आगे आएं ताकि उनका इलाज किया जा सके। मुकेश जी लेकिन क्या अभी तक ये कोई डेटा निकल कर सामने आया है क्या कि इस इंटरवल में वो महिला या फिर उनके पति या फिर पूरे परिवार की अगर बात कर ली जाए जो 9 केस निकल कर सामने आए हैं, वो और कितने लोगों के संपर्क में थे और कितने लोगों के कांटेक्ट में था, क्या अभी तक कोई डेटा इस बाबत निकल कर सामने आया? इस बाबत डेटा निकल के आया है जी, दिनांक 6 अप्रैल को ये नागपाल हॉस्पिटल में गई है सेक्टर 11 में अपने इलाज के लिए, तभी इसका एक्सरे वगैरह भी हुआ। 7 तारीख को लंग पे स्पॉट था,
बट डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक दे दिया और शी डिडंट रिपोर्ट टू द सिविल अथॉरिटीज। डॉक्टर की ओर से भी लापरवाही मैं कहूंगा ओपन रूप से, कि डॉक्टर का जो एथिकल ड्यूटी बनती है अगेंस्ट एथिक्स, शी डिडंट रिपोर्ट। अतः मेरा पुनः आपके चैनल से के माध्यम से अनुरोध है कि सभी नगरवासियों से कि वो आगे आए ताकि स्थिति को भयावह होने से रोका जा सके। जी, जाहिर तौर पर हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो खुद को आइडेंटिफाई कराएं ताकि हम जो स्थिति है उसको कंट्रोल में कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार आहूजा जी, DC पंचकुला, इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत के लिए। तो आप